तो लोग हिला रहे थे पुल को? हाँ हिला रहे थे, हम लोग बोला भी कि मत हिलाओ पुल को, टूट भी सकता है, लेकिन वो लोग माना नहीं, हमारा बात सुना क्या। सांस देके दो बच्चों को, एक बच्चा तो मर ही गया था समझो, एक को ये जिंदा कर दिया कैसे भी करके, और बाहर जो नर्स बैठी थी वो सीधा मना कर दी कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी। गोद में दो तीन लोग मर गए थे, एक का तो हाथ टूट गया था, इधर से भंग गया था, उसको तो मैं लास्ट में निकाला। कट गया? नहीं कटा नहीं था, ये पूरा उतर गया था। पहले बच्चों को ही बचाया हम, क्योंकि बच्चे ही सबसे प्यारे हमें लगते हैं, हमें बच्चे लोग को निकाला। एक तो बच्चा गोद में ही मर गया था हमारे, वो क्या बताएं हम, क्या हम फील कर रहे थे। वो मीडिया वालों ने हमें शाबाशी दिया, जो देश जो देख रहा है हमें वो शाबाशी दिया, मगर कोई नेता हो चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो चाहे CM हो, कोई आकर शाबाशी नहीं दिया। मोरबी हादसे को लेकर आज से कुछ सालों बाद जब चितेरे दिमाग के गहवर में झांकेंगे तो उनको कुछ चीज़ें याद आएंगी, वो चीखें याद आएंगी, वो लोग याद आएंगे जो बेमौत मारे गए, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो टिकट लेकर के घूमने आया और भीड़ ज़्यादा हो गई, और वो बेकसूर थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, प्रशासन ने लापरवाही की, जो ब्रिज मैनेजमेंट टीम थी उसने लापरवाही की। अब जब इन सब चीज़ों को याद किया जाएगा तो कुछ और चेहरे हैं जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं, जिनको याद किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कैजुअल्टी हुई 140 के करीब, वो कैजुअल्टी और ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे देवदूत सरीखे लोग थे जिन्होंने प्रशासन के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, NDRF की टीम आने से पहले रेस्क्यू किया लोगों का, और ये उनमें से 3 प्रवासी मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ गुजरात में काम करने आए। जहाँ पे वो पुल गिरा है उसके इस तरफ जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। किस चीज़ का काम चल रहा है? सेल्टरिंग का काम, सेल्टरिंग कारपेंटर, मंदिर का, हाँ मंदिर का बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो वहाँ पे ये मजदूर ये जो वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे, वहाँ पे ये आप वहाँ पे बना रहे थे चीज़ों को? मैं, हम लोग का दीपावली से पहले 22 तारीख को छुट्टी हुआ था, हम लोग को आज सोमवार हो गया, 8-9 दिन हो गया, हम लोग को दरी कौन पे है ना जो ओवर ब्रिज है वो दरी बैठ के हम लोग अपने में हंसी मजाक करते हैं शाम को डेली। अच्छा, तो वो ये लोग वहाँ पे बैठे थे और उसी दौरान हादसा हुआ। अब सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। पंकज कुमार। पंकज जी क्या हुआ था? वही हम लोग को मने भी कर रहा था कि ज़्यादा पुल को मत छेड़छाड़ करो, ज़्यादा मत झोलो, वो लोग झोलने से जल्दी भंग गया वो। तो लोग हिला रहे थे पुल को? हाँ हिला रहे थे, हम लोग बोला भी कि मत हिलाओ पुल को, टूट भी सकता है, लेकिन वो लोग माना नहीं, हमारा बात सुना क्या। अच्छा। हाँ नहीं सुना, टूट गया 2 मिनट के बाद वो पुल टूट गया। फिर हम लोग, मैं और मेरा भाई और हम तीनों लोग, मतलब कि हम फर्स्ट नंबर पर था पानी में, ये मेरा भाई ऊपर था, ये मेरा भाई और ऊपर था, मतलब मैं वो लोग को कंधे पर लाद के ला रहा था, ये इसको दे रहा था, ये भाई इसको दे रहा था। फिर आपको तैरना आता है? हाँ सब कुछ करने आता है। अच्छा, तो जैसे ही घटना हुई तो आप वहीं पे थे? हाँ हाँ। और तुरंत आप लोग कूद गए? तुरंत हम लोग पहुँच गया उधर बचाने के लिए, बच्चे लोग जाते थे ना, बच्चे लोग को ज़्यादा माया लग रहा था, वो बच्चे, हाँ बच्चे लोग ज़्यादा था, माया भी लग रहा था, बच्चे चीख और वो पुकार की आवाज़ आ रही है। हाँ बस वही हम लोग को उधर खींच के ले गया, चीख आवाज, हम लोग गया उधर फटाफट निकालने स्टार्ट किया सब लोग को, 30-35-40 लोग, जितना हम लोग निकाला गिनती नहीं कर सकते हैं उस समय में, दिमाग भी उस समय में काम नहीं कर सकता है ना, उस समय हम लोग क्या। कोई और आया था, प्रशासन पहुंचा था? नहीं, आधी घंटा बाद सब लोग आया, पहले कोई नहीं था, कोई नहीं था, बस हम ही। और स्थानीय लोग भी थे, कुछ आ गए थे बाद में? हाँ आया था वो आर्मी को, 5-6 लड़का आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो लोग आया था और हेल्प हम लोग का हो गया, थोड़ा फटाफट हो गया, और वो लोग आ गया थोड़ा और फटाफट हेल्प हुआ, फटाफट आदमी लोग को निकाला, बच्चे लोग को निकाला, सब लोग को, 2-3 तो मर गए थे बेचारा, कंधे पलात के लेके गए हम लोग ऊपर, छोड़ा क्या करेंगे। तो जब आप पानी में कूदे तो ऐसा होता है ना कि जैसे जो डूबते लोग होते हैं वो खींचते हैं अपनी तरफ, तो क्या क्या हुआ? वो जाली था ना, जाली पुल पलटा था जो लटके हुए लोग, हाँ हाँ हाँ, उधर से मैं निकाल रहा था आदमी लोग को, जाल पकड़ के, एक हाथ से जाल पकड़ा था, एक हाथ से पकड़ता था उसको, लाता था कंध पे, फिर ऊपर जाता था। डर नहीं लग रहा था कि गिर जाऊंगा? नहीं, उस समय में डर कहाँ लग रहा है,
उस समय थोड़ा हौसला बढ़ रहा है कि थोड़ा और आदमी लोग को निकालो। और फिर इसके बाद फिर और 5-6 लोग आ गया और फिर थोड़ा साहस हो गया, फटाफट और लोग को निकालने लगी। जिंदा थे लोग? हाँ जिंदा थे, 2-3 बच्चे मर गए थे गोद में। अच्छा। गोद में 2-3 लोग मर गए थे, एक का तो हाथ टूट गया था, इधर से भंग गया था, उसको तो मैं लास्ट में निकाला। कट गया था? नहीं कटा नहीं था, ये पूरा उतर गया था। उसको तो मैं लास्ट में निकाला, एकदम सब लोग को निकालने के बाद। बच्चा नहीं, औरत थी। अच्छा। औरत थी, वो 40-45 साल की थी। उसको मैं उसको बोला कि तुम इधर रहो, मैं तुमको निकालूंगा, अभी बाद में निकालूंगा, अब तुम्हारा हाथ भी नहीं काम कर रहा है, लात भी नहीं काम कर रहा था, कैसे उठा के ले जाएंगे। तो बच गई वो? हाँ हम लोग बचाया उसको, उसको लास्ट में निकाला मैं, रस्सी बांध के उसको कैसे करके ऊपर लेके गया। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल आप भी इनके साथ थे? जी सर, हमसे 6:30 बजे पुल टूटा। पुल टूटने के बाद तो एक्चुअल में पहले हम लोग देखने गए कि मतलब क्या हुआ है। जब ही देखे तो उसमें बच्चे औरत सभी लोग चीख, उन आवाज़ उन लोग की इतनी आ रही थी कि हम 2-3 भाई से रहा नहीं गया। और सबसे फर्स्ट टाइम ये भाई गया, फिर मैं गया, फिर ये आया, और पुल जो टूटा था उसी पर गए। हम लोग को अपनी मौत का कोई डर नहीं था कि हम लोग को क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रेजेंट टाइम हमको बच्चों को बचाना था, बच्चों लोग को बचाए, औरत को बचाए, आदमी लोग को निकाले, 30-35 लोग को हम लोग बचाए। और प्रशासन एम्बुलेंस 20-25-30 मिनट तो लगता ही आने में, कहीं भी एक्चुअल में काम हो इतना तो टाइम लग ही जाता है। तो आप लोग यहाँ के नहीं रहने वाले? आप लोग यूपी में कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश जौनपुर से हैं। और आप? गाजीपुर सैदपुर, जिला हमारा गाजीपुर है, घर सैदपुर में है। अच्छा, तो आप लोग वैसे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होंगे, बुला रहे होंगे, तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे थे? जी सर, हम लोग अपना नाम ले के मैनेज कर रहे थे। और रही बात तो हमारे, तो जितने मतलब और साथी लोग भी थे, तो कितने लोग तो मना भी कर दिए थे कि नहीं नहीं जाना है वहाँ पर, लेकिन बट हम लोग को क्या मालूम क्या हो गया, हम लोग को जाना पड़ गया। वो बच्चों की आवाज़ और लोग की आवाज़ से हम लोग को रुका नहीं गया। अंधेरा रहा होगा? अंधेरा जी नहीं, लाइट लगी, लाइट थी, लाइट उस पर लगा था, पूरा जल रही थी, हमारा भी जल रहा था उधर, वो मंदिर में है ना स्वामीनारायण, हाँ सब लोग उधर लाइट भी 24 घंटा जलता है उधर, ऐसा नहीं है कि नहीं जलता है, उधर 24 घंटा लाइट जलता है हमारे नारायण मंदिर में। तो फिर आपने जब बचा के बाहर जब आप लोग उतरे पानी में, तो सबसे पहले बच्चों को बचाना शुरू किया? पहले बच्चों को ही बचाए हम लोग, क्योंकि बच्चे ही सबसे प्यारे हमें लगते हैं, हमें बच्चों लोग को निकाला। एक तो बच्चा गोद में ही मर गया था हमारे, वो क्या बताएं हम, क्या हम फील कर रहे थे वो। और एक तो था तो उसको निकाले, तो ये हमारा भाई है जो, तो ये सांस दे के दो बच्चों को, एक बच्चा तो मर ही गया था समझो, एक को ये जिंदा कर दिया कैसे भी करके। और बाहर जो नर्स बैठी थी वो सीधा मना कर दी कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मतलब मुंह से फूंक मारते हैं पानी में डूबने के बाद आदमी को, वो फूंक मारने से मना कर दी। तो हमारे जो भाई है इसने मुँह को लड़की को फूंक मार के जिंदा किया कैसे भी करके, उल्टा सीधा उसको, मतलब उसकी जान बच गई। ये आपने, क्या नाम है आपका? मेरा सर अजय कुमार नाम है। कि क्या इंसिडेंट था जो ये बता रहे थे? उसमें उस लड़की की और उस बच्चे की हालत इतनी नाजुक थी कि ऊपर लाते लाते मैं ही ऊपर लाया और एम्बुलेंस में भी ले गया। और जो एक 4 साल की बच्ची थी वो बेहोश थी, उसकी सांसें नहीं चल रही थी, मैंने उसको मुख में मुख ला कर डालकर हमने उस सांस भरा तो लड़की जी तुरंत होश में आ गई। तो उसको तुरंत साइड में कहा कि रखा उसको, और लड़की चिल्लाने लगी मम्मी मम्मी बेटा भाई बैठो आराम से, तुम्हारी मम्मी आ जाएगी, उसको बैठाया। दूसरे जो लड़का था 4 साल का, उसको हमने उन दोनों पैर ऊपर कर मुख में से और नाक में से पूरा पानी बाहर निकाल कर पूरा पोंछ कर फिर हमने मुख में हवा पंपिंग किया, फिर भी वो बच्चा नहीं जिया मुझसे। यही मेरी गलती है कि उसको बचा नहीं पाया। और उसके बाद नर्स ने बोली कि मुझसे नहीं होगा, हमने कहा नहीं होगा तो हटो ना, मैं कर लूँगा ना। कहाँ पे नर्स ने बोला ये? वहीं पे नर्स लोग पहुँच चुके थे वहाँ, पहुँचे थे, आधे घंटे बाद पहुँच गए। उसके बाद मैं लाया तो नर्स वहीं पे थी, हमने कहा कि इसको जल्द ऑक्सीजन दो, तो बोली कि ये सब काम खत्म हो गया। ये ब्रीदिंग PCR आपने देना कहाँ से सीखा था? ये तो सर हमारे काम में एक्चुअल होता है। एक्चुअल हम लोग कहीं भी ऐसा कांड होता है हम लोग बेहिचक दौड़ जाते हैं करने के लिए। मैं अब हम लोग तीनों भाई ये नहीं सोचते कि मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ में मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। ये लोग अपने हम लोग अपने मौत को पीछे छोड़ देते हैं कि आगे अगला जो है उसको पहले बचाया जाए फिर बाद में अपनी सोचा जाए। तो आपने कुल कितने लोगों को निकाला बाहर? हम लोग 35-40 लोगों को बाहर निकाला।
और वो जो आर्मी की प्रैक्टिस करने वाले लोग, हाँ वो भी साथ में बेचारे दौड़ते हुए आ और तुरंत रस्सी फेंक कर अंदर कूद गए। नीचे से थमा रहे थे भाइयों ने, ऊपर कंधे पर लाद कर ऊपर दे रहे थे, हम लोग खींचते गए खींचते गए। प्रशासन कितनी देर बाद पहुंचा? प्रशासन आधे घंटे पौने घंटे बाद पहुंचा वहाँ पे। जैसे जो आर्मी के जिन वो जो आर्मी के ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं और जो बच्चे हैं तो उनसे हमने बात की तो वो बता रहे थे कि नाव तक नहीं थी वहाँ पे। हाँ सर, वहाँ पे कुछ नहीं था, कोई व्यवस्था भी नहीं था वहाँ पे। जब पुलिया टूटी और पलटी मार गई तो जितने लोग थे सब नीचे दब गए। नीचे मलबा भी है जो कि 20 फुट का गहराई भी है, नीचे 5 फुट तक का अंदर उसका मलबा भी है, उसके नीचे दब गए लोग। और जो बचे हुए थे वो तैर रहे थे और डूब रहे थे, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तो हम लोग सुना दौड़े सब, बहुत लोगों को बचाया, बहुत लोग नहीं बच पाए, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो नाव कितनी देर बाद आपको मिली? वो एक घंटा बाद आई थी नाव। 9 बजे करीब आई। कितने? 9 बजे करीब आया नाव। 9 बजे? 9 बजे आई, जो कि पुलिसकर्मी आ गई थी 8:15 बजे। और उसके बाद नाव आई 9 बजे, पुलिसकर्मी ने फ़ोन किया, फ़ोन किए और उनको आने में थोड़ा लेट हो गया, फिर भी आए 9 बजे तक वो आ गए थे। 6:30 बजे हादसा हुआ, 9 बजे आए, 2.5 घंटे का अंतराल। 2.5 घंटे कोई पानी में जिंदा रह नहीं सकता। अगर टाइम से नाव पहुंचती तो और लोगों को बचाया जा सकता था? जी यस सर, बताया जा सकता था। वो लोग टाइम से नहीं आए तो उसके कारण भी और जनता मर चुकी थी। और बाद में आए 2.5-2 घंटे बाद तो अब तो लाशें नहीं निकालेंगे, और क्या निकाल सकते हैं वो लोग। लाशों के निकालते गए और एम्बुलेंस में भरते गए सर। तो मतलब जो जिंदा लोग निकले उनको आप लोगों ने और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने निकाला? जी जी हाँ, स्थानीय लोगों ने निकाला और हम लोग भी मिलकर सब मिलकर निकाल दिए। और जो जिंदा लोग थे और लोग तो अपने से तैर कर निकल गए बाहर। अच्छा, कुछ लोगों को तैरना भी आता? जी जी जी, कुछ लोगों को तैरना भी आता तो तैर कर बाहर निकल गए। तो जैसे कि फिर जब फोर्स आ गई तो आप लोगों को बाहर किया गया या फिर आप लोग लगे रहे? नहीं, लगे ही रहे, फोर्स भी आकर हेल्प की। हम जब बाहर निकाल रहे थे दो भाई, हम लोग ऊपर थे तो ऐसा लग रहा कि हम लोग खुद मारे न जाए ऐसा, जो कि अंदर से इतना प्यास लगती थी कि पानी देने वाला भी कोई नहीं था। एक पुलिसकर्मी आए, उनको बोला गया तो 5 मिनट के अंदर पानी ला कर दिया। वो अंदर नहीं जा रहा है निकालने के लिए, वह पानी देकर वहीं से वीडियो बना रहा था। अच्छा। और फिर जो है आप लोग जब बाहर ला रहे थे तो उनको एम्बुलेंस मिल जा रही थी जाने के लिए? एम्बुलेंस तो मिल जा रहा था, क्योंकि एम्बुलेंस इतनी जा, पुलिस गाड़ी और एम्बुलेंस ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा आ गए एक ही साथ में। और जब पुलिस वाले भी आए, मान लो जो भी आए, सब लोग हेल्प कर रहे थे। ऐसा नहीं कि नहीं तुम पब्लिक हो तुम निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भी हेल्प किए, हम भी हेल्प किए। और जब ये नॉर्मल मामला हो गया तो हम लोग बाहर आ गए, और तकरीबन हम लोग को बाहर आने के बाद ही वो नाव आई। और ए भाई निकालते निकालते थक गया था, इसको बुखार भी आ गया, भीग गया था, इस बीमार भी पड़ गया। रात में जाकर ये सो गया, फिर भी हम लोग 4 बजे रात तक जगे रहे और हम लोग अपना काम करते रहे पूरा। तो आप लोगों से किसी प्रशासन के या बड़े नेता या बड़े अधिकारियों ने संपर्क किया, आप लोगों को शाबाशी दी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ना कोई आया शाबाशी कोई नहीं दिया। सिर्फ मीडिया वालों ने हमें शाबाशी दिया, जो देश जो देख रहा है हमें वो शाबाशी दिया, मगर कोई नेता हो चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो चाहे CM हो, कोई आकर शाबाशी नहीं दिया, इसके लिए तो माफ़ी। ये इस हादसे के अनसंग हीरो हैं पंकज, अजय, ये तमाम लोग अगर ना होते, अगर आप इनकी बातों सुन रहे हैं और स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं तो आप समझिए कि अगर ये उस समय ना होते तो जो कैजुअल्टी हुई उसकी संख्या और ज़्यादा होती, क्योंकि बच्चे थे, महिलाएं थीं और उनको तैरना नहीं आता था। क्योंकि महिलाओं के साथ उनके कपड़े और बच्चे जो है तो उनको तैरना और भी मुश्किल होता है, और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाई। ये एक तरीके से अनसंग हीरो हैं और एक ऐसे किरदार हैं जिनको याद किया जाना चाहिए इस मोरबी की घटना में, कि वो 140 के करीब लोग नहीं बचाए जा सके, उनका अफसोस होना चाहिए, जिन्होंने जिनकी वजह से हुआ उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनका भी सम्मान होना चाहिए कि जिन्होंने इतनी जाने लोगों के बीच अपनी जान को दांव पे लगा करके बचाई। और आप लोगों से बात करके कम से कम हम लोगों तक सच्चाई पहुंचा पा रहे हैं, कम से कम लोगों तक आप लोग
की सच्चाई पहुंच रही कि आप लोग अगर ना होते तो ना जाने और क्या होता। और सब ज़्यादा लोग मरते हैं, और हम लोग नहीं रहता ना तो ज़्यादा लोग मरते। पहले फर्स्ट नंबर पर हम ही लोग पहले गया था, फर्स्ट नंबर पर पुल टूटा, फिर इसके बाद हम लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिया, पुल के ऊपर गया फिर नीचे गया, वो अथू पकड़ के जाली, उसके आरी आरी जाली लगा था ना वो पकड़ के हम लोग पहले डायरेक्ट नीचे गया, फिर इसके बाद बच्चों को पहले बचाने स्टार्ट किया, फिर लेडीज़ लोग को, फिर जेंट्स लोग को, मोटा मोटा था वो लोग तो पूरा शरीर अभी हमारा तो दर्द कर रहा है, पूरा बॉडी वोडी सब, इधर देखो इधर भी लग गया है, इधर हाथ में भी घुस गया है कल का, इधर भी लग गया है, गोड़ में तो ज़्यादा वायर घुस गया है गोड़ में, वो जो तार लटक रहे थे। तो अभी आपने सुना इनकी इनकी बातों को, और हमको लगता है कि प्रशासन को अमल करना चाहिए, और अगर हो सके तो इनकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये दूर से, दूसरे राज्य से, उत्तर प्रदेश से आए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, और इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के सोचे, बिना इंसानियत को दिखाते हुए लोगों की मदद की। और आपको इनसे, इनकी बात सुनकर कैसा लगा, ये वीडियो में आपसे जो इन्होंने बताया उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ललन टॉप के लिए मैं अभिनव मोरबी से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ कैमरे के पीछे विजय हैं। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।